सो नाउ स्टूडेंट अब सॉल्व करेंगे. देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लास 12 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. अब स्टूडेंट इसमें है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6. तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या है कि जो कॉस इनवर्स का रेंज होता है इसका जो रेंज होता है स्टूडेंट वो होता है 0 से पाई. तो यानी इसकी वैल्यू 0 से पाई के बिटवीन आनी चाहिए. अब स्टूडेंट देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कॉस इनवर्स कॉस अब 13 पाई बाई 6 जो है उसको हम लिख देंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6. तो इस तरीके से जब इसको लिखेंगे तब देखिए कॉस जो है यहाँ पर यानी 360 प्लस जो थीटा होता है वो कॉस थीटा ही होता है स्टूडेंट्स. तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6. तो इसकी जो आंसर आएगा चूंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है तो ये स्टूडेंट्स पाई बाई 6 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. अब देखिए इसका जो स्टूडेंट्स रेंज होता है इसका जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल में होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. तो इसकी वैल्यू भी इसके बिटवीन आनी चाहिए. अब देखिए इसको हम टेन इनवर्स क्योंकि टेन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट पॉजिटिव होता है तो टेन इनवर्स टेन तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते पाई प्लस पाई बाई 6 और पाई टेन पाई प्लस थीटा होता है टेन थीटा होता है तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन पाई बाई 6 ये आ गया. तो अब स्टूडेंट टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है तो ये पाई बाई 6 जो है इसका भी आंसर आपका आ जाएगा. तो ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरीके से करने थे ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो अब स्टूडेंट इनको प्रूफ करना हमें प्रूफ दैट 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24 अपॉन 7. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 को देखिए यहाँ पर LHS हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5. अब स्टूडेंट इसको हमें कन्वर्ट करना है 10 इनवर्स में ठीक है क्योंकि 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स की टर्म्स में. तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए अब हम जो है साइन इनवर्स 3 बाई 5 को मान लेंगे x के इक्वल तो ये आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. तो ये हो गया देखिए हमारा परपेंडिकुलर ये एंगल हो गया x और ये हो गया हाइपोटेनस 5. तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपोटेनस हो गया. अब जो बेस आएगा तो बेस आ जाएगा स्टूडेंट 4 तो टेन एक्स बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अब देखिए यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 10 इनवर्स 3 बाई 4 और यहाँ भी देखिए आप x इज इक्वल टू क्या था ये था और x इज इक्वल टू ये है देन दोनों की वैल्यू साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल होगा 10 इनवर्स 3 बाई 4 के. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 10 इनवर्स 3 बाई 4. अब स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. अब तो देखिए यहाँ x की वैल्यू ये होगी ये वैल्यू हो जाएगी x की तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 इनवर्स 2 इंटू 3 अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 16. तो अब देखिए 2 से इसको बाद में कैंसिल कर देंगे अभी नहीं करेंगे ठीक है. तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 10 इनवर्स ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 अपॉन अब देखिए ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स
सिक्स अपॉन फोर, और ये हो जाएगा, देखिए 16 चला जाएगा यहाँ ऊपर, और ये 16 में से 9, तो ये आ जाएगा 7। अब स्टूडेंट 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 4, तो अब बचा देगी 6, 4 24 आ जाएगा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 24 अपॉन 7। तो यही देखिए स्टूडेंट हमें यही चीज यहाँ पे प्रूफ करनी थी, यही तो देखिए हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अब देखिए 4 को सॉल्व करने के लिए पहले तो साइन इनवर्स 8 अपॉन 17, इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर इसको कन्वर्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स, अगर इसको कन्वर्ट नहीं करना है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, तो जो साइन इनवर्स में आएगा उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। दो ऑप्शन है आपके पास, चलिए अच्छा देखिए इसी तरीके से करते इसको। सबसे पहले एल एच एस क्या होगी, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। तो अब स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी आएगा और कॉस ए इंटू, ठीक है, साइन बी आएगा, तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला है। आप इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए x की वैल्यू आएगी 8 अपॉन 17 और जो y की वैल्यू होगी वो होगी 3 अपॉन 5। तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ हमें रख देना है स्टूडेंट्स, तो ये होगा साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 और रूट के अंदर आएगा 1 माइनस 9 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 25 प्लस y की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 5 और ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस, अब देखिए 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 64 और जो 17 है इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 289। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8 अपॉन 17, अब देखिए 25 में से 9 जाएगा तो 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये 4 अपॉन 5, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 अपॉन 5 आएगा और ये हो गया 3 अपॉन 5 और जब इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 289 में से 64 जाएगा आएगा तो 225 आएगा रूट के अंदर, उसका रूट होता है 15, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 17। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए चूंकि डेनोमिनेटर सेम होंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए 32 प्लस 45 अपॉन 85। तो अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स 77 अपॉन 5 2 7, ठीक है, 4 3 7 अपॉन 85। अब स्टूडेंट्स इसको 10 इनवर्स में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 10 इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, अब देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 77 इंटू 77, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए स्टूडेंट्स कितना आता, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगी कैलकुलेटर से, फिर इसके बाद आएगा 85 और 85 का मल्टीप्लाई करेंगे, 85 इंटू 85 का मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है। फिर इसी तरीके से देखिए इसका हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 5929, 5929। फिर स्टूडेंट 85 और 85 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 7225, 7225, ठीक है। तो ये स्टूडेंट देखिए ये हमारा हो गया, इसको हमने सपोज करी एंगल एक्स मान लिया। अब देखिए परपेंडिकुलर ये हो गया 77 और हाइपोटेनियस हो गया 85, ठीक है। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके स्टूडेंट्स जो भी आएगा उसका रूट ले लेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए अभी हम आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, 36, 12, 96, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और रूट लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 36 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 36। तो अब जब हम इससे 10 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 10x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी 77, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 77 अपॉन 36 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 10 इनवर्स में स्टूडेंट्स जैसे 10th क्लास में अपन करते थे वैसे ही करके इसको निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 77 अपॉन 36। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हमें करना था, तो ये हमारा देखिए प्रूव्ड हो गया, यही चीज हमें इसमें प्रूव करनी थी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है देखिए एक और है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है 5। तो अब स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स एक्स का जो कॉस इनवर्स देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 4/5 और जो y की वैल्यू है वो है 12/13। बस इसमें पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स देखिए 4/5 इंटू 12/13 माइनस, क्योंकि कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला स्टूडेंट माइनस में होता है इसलिए इस फॉर्मूले में माइनस आया है, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 4/5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स। फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, बस अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 25, 4 का स्क्वायर 16 और 25 में, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 3/5 और यहाँ पर आ जाएगा 5/13। बस अब इसको देखिए सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 48/65 माइनस 15/65। अब देखिए डेनोमिनेटर सेम है, देखिए इसमें से सबट्रैक्ट भर करना था तो 33/65 ये आ गया स्टूडेंट्स आपका। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने थे। थैंक यू स्टूडेंट।